नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। जीएस डोज का ये डे टू है। डे वन में हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने आपको, और आज हम जीएस डोज टू में भी ऐसा ही करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन है ये आईएएस और पीसीएस लेवल, और इसके साथ साथ जो है एसएससी वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गृह युद्धों के शरणार्थियों को मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण, विश्वव्यापी मानव अधिकार का आंदोलन, अति निर्धन लोगों को मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों को चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अन सरकारी अभिकरण है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट है? तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है, ठीक है, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है ये, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1961 में। इस आंदोलन की शुरुआत मान लो आप, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, कहाँ पर, लंदन के अंदर, ठीक है। और इसकी शुरुआत करने वाले एक बैरिस्टर थे, पीटर बेंसन। क्या नाम था? पीटर, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को भी, बेंसन, ठीक है। पीटर बेंसन ने इसकी शुरुआत की थी, कहाँ से, लंदन से, कब, 1961 के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर, या मानव होने के नाते मानव गरिमा पर? तो मानव अधिकारों की अवधारणा, जो अवधारणा है उसका प्रमुख बल क्या है, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ठीक है, डी राइट होगा। देखिए, मानव अधिकारों की जो सर्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है, तो इसलिए राइट क्या होगा, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। क्लियर है? चलिए लास्ट है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अब कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, और जो है बीआर मेहता समिति देखते ही उसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। अशोक मेहता समिति, वीकेआर वी राव समिति, स्थानप समिति, या बीआर मेहता समिति? तो ये जो वीकेआर वी राव समिति है ये नहीं है, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। इसमें पूछा कि पंचायती राज, देखिए अशोक मेहता समिति है पंचायती राज में, या फिर संथानम समिति भी है, और बीआर जो है बलवंत राय जो थी मेहता समिति वो भी है। क्लियर है? तो समझ आ गया आपको, तो वी के आर वी राव जो है समिति है प्रमुख समिति, तो वी के आर राव के प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे, जो वी के आर वी राव है वो के भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे, ठीक है। एक तो क्या है, आर्थिक विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य भी रहे हैं, तो एक अर्थशास्त्री थे ये, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, अंगिका पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया है। तो राइट इनमें से आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, आप सबको पता है कि राजभाषा है हिंदी, तो ये गलत हो गया, इसमें सही चुनना है आपको। तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आप सबको पता है कि बोडो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत की थी, और ये जो संविधान संशोधन की बात करें तो ये था 92वां संविधान संशोधन, 92वां 92 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2003 में, कब है,
2003 में जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी जो है भारत की संघ की राजभाषा है। मैंने आपको बताया था कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है, ठीक है। चलिए, और अंगिका अब संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो है नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक व हिमांक दोनों बढ़ते हैं, क्वथनांक व हिमांक दोनों घटते हैं, या फिर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक भी बढ़ता है, या फिर अगला है ऑप्शन क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, तो राइट आंसर यही होगा। क्वथनांक तो जो है पानी, जो हम बात करें जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो जो क्वथनांक है वो तो बढ़ जाता है और जो हिमांक है वो घट जाता है, ठीक है, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर को स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। राइट क्या होगा, जो भी वाइट कपड़े पे जो ऊष्मा, जो गर्मी पड़ेगी वो उसको क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। अब देखिए, छोटा कोई एग्जाम होगा तो वो क्या पूछेगा कि जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो आप कह देंगे जी टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। या फिर पूछ लेगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप बता दो कि किसने किया था, एडिसन ने किया था। तो अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, दृश्य प्रकाश के रूप में, अवकृत किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, या प्रतिदीप्ति प्रकाश के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा, दृश्य प्रकाश के रूप में, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, दृश्य प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबको पता है कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य, समझ आ गया आपको। हम बात करते हैं, इसमें कुछ डिटेल है थोड़ी सी, कि स्वतंत्रता के जो पश्चात हैं नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, आप सबको पता है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मैंने आपको बताया कि स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। तो इसको 1 अक्टूबर, हम बात करें 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश बना था पहले राज्य के रूप में भाषाई आधार पे, ठीक है, 14 राज्य और 6 यूटी। किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? मीथेन एवं वायु, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। जो मिश्रण, ऐसा कौन सा जो मिश्रण मिला के जो खदानों में विस्फोट किए जाते हैं, कौन क्या क्या चीज़ इसमें मिली होती है, तो इसमें मीथेन और वायु, ठीक है, ए राइट होगा, इसमें मिलाई होती है जिससे विस्फोट होते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटस, या फिर व्हिटेकर, या कैरोलस लिनियस, या फिर अरस्तु। तो दोस्तों कैरोलस जो लिनियस है उसको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करें कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, सिस्टेमा नेचुरी, क्या नाम था उसका, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी में जीव वैज्ञानिकों के नाम
एवं वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत थी। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में जंतु, पादप और खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप सुन के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। बेरोजगार व्यक्तियों से है, गृहिणियों में बेरोजगारी से है, या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से है, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न से जो है बेरोजगारी है। तो राइट क्या हुआ, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से जो क्या है छिपी हुई बेरोजगारी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2004, 2005। तो दोस्तों, जो किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो वो 1998 से 1999। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत है वो अगस्त में हुई थी, वैसे 1998 में लागू की गई थी। किसानों को व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ऋण लेने में सुविधा प्रदान हो, और इस योजना को आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी समिति की सिफारिश पर, आरवी गुप्ता, नोट कर लें भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। सू नहर जोड़ती है बंगाल व त्रिपुरा को, हयूरोन व ऑन्टेरियो को, सुपीरियर व मिशिगन को, या सुपीरियर व हयूरोन को। तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हयूरोन, डी राइट होगा, सुपीरियर और हयूरोन को। देखिए, सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को हयूरोन झील से जोड़ती है। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों का भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंट मरी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात पड़ता है इनके बीच में, सेंट मरी, सेंट मरी जो है जलप्रपात इन सुपीरियर और हयूरोन। ठीक है, सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील और हयूरोन झील से जोड़ती है, और ये दोनों झीलें विश्व में प्रसिद्ध महान झीलों में से, और इन झीलों के मध्य सेंट मरी जलप्रपात स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जो प्रागदेशी काल, तो 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में कौन सा काल उन तीनों में नहीं है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, महापाषाण, नवपाषाण, इनमें से कौन सा नहीं है, तो महापाषाण नहीं है, पुरापाषाण है, मध्यपाषाण है, नवपाषाण है। ठीक है, समझ गए होंगे। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरापाषाण, मध्यकाल और नवपाषाण। चलिए, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य, ज्ञातक, मौर्य और कुरु, तो वो थे शाक्य वंश से। ठीक है, ए राइट होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म आप सबको पता है नेपाल, जो है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुमिनी ग्राम में शाक्य नाम के एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु व शाक्य गण के मुखिया थे। चलिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण आप गौतम बुद्ध, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क, तो राइट क्या होगा, अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से ये विख्यात है, और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। जो अशोक स्तंभ है हमारा, इसको किस रूप में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, और इस पे जो है एक सिंह का, सिंह निर्मित है, जो किसका प्रतीक है, शक्ति का, पावर का। ठीक है, चलिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो हम बात करते हैं प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है। देखिए, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह किया था, वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवियानी देवी दुर्गा की आकृति बनवाई थी। ठीक है, एक तो क्या थी छवि, कुमारी देवी, और दूसरी जो है
सिंह वाहिनी देवी दुर्गा है जो उनकी प्रतिमा जो है मूर्ति की आकृति बनवाई थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के, तो इनमें प्रथम यही था। वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, थानेश्वर, कन्नौज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कन्नौज थी भाई, कौन सी थी? कन्नौज। क्लियर है? मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज। इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और ग्रह वर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मोखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। कौन था? हरिवर्मा। चलिए, दिल्ली में किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लोह की नीति अपनाई? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिस, जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर क्या होगा? बलबन। क्या होगा? बलबन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन सा था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश की जो इब्राहिम लोदी था, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था, आप सबको पता है, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और जो लोदी वंश का जो पहला शासक था वो था बहलोल लोदी, या लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट GS डोज डे 2 के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे पसंद आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक जो मैराथन क्लास मैंने आपको कंप्लीट, जो अभी जनवरी से लेके मई तक 5 महीने का करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। देखिए, 2 से 2.5 घंटे का वीडियो है, तो उसको ज़रूर देखें, आपके सारे जो हैं रिवीजन हो जाएगी सारी की सारी करंट अफेयर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।